और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए वोट दिए जा रहे हैं और कल दोपहर तक इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसके बावजूद चुनावी मैदान में एबीपी, एनएसयूआई, आईसा और एसएफआई सहित कई छात्र संगठनों के प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार पुलिस लाइन की बजाय दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी काउंटिंग। वहीं हमारे साथ दिव्या अग्रवाल लाइव जुड़ चुकी हैं नॉर्थ कैंपस से। दिव्या, जानना ये चाहेंगे, मतदान जारी है, क्या कुछ उत्साह आप देख रही हैं छात्राओं में? बिल्कुल, देखिए अंजलि, सुबह 8 बजे से ही जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और दिल्ली विश्वविद्यालय, देश भर के तमाम शैक्षिक संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है और इसके जो चुनाव हैं बेहद रोमांचित और दिलचस्प भी होते हैं। देखिए उसकी एक तस्वीर, लगातार वोटिंग जारी है और दिलचस्प इस लिहाज से भी होते हैं कि अगर आप सड़कों का देखेंगी तो सड़कों पर तमाम जो बैनर्स और पोस्टर्स हैं वो आपको इस वक्त सड़कें पूरी तरीके से पटी नजर आएंगी और वो भी उस हालात में जब पूरी तरीके से डिजिटल या पेपरलेस जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। यानी कि एक ये बड़ी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी, यानी कि स्टूडेंट्स अभी भी इसी जद्दोजहद में है कि कैसे वो स्टूडेंट्स को अपने पक्ष में करें। यहाँ पर मैं अगर प्रक्रिया बताऊं तो इवनिंग कॉलेजेस की जो वोटिंग है वो लगभग 3:30 बजे से शुरू होगी। एबीवीपी और एनएसयूआई यही मुख्य मुकाबले में दिख रही है और 3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। लगभग 1.5 लाख छात्र जो है वो आज अपने वोट के मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लड़कियां हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। महिला सुरक्षा इस बार एक प्रमुख मुद्दा है। हमने राज्यसभा और लोकसभा में देखा महिला जो वंदन अधिनियम बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो गया और यहाँ महिला सुरक्षा अहम मुद्दा है। आप किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगी? ऑफ कोर्स आई विल थिंक ऑफ द मैनिफेस्टो दैट गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर विमेन एंड इन सम ऑफ द मैनिफेस्टोस देयर आर 12 डेज लीव, menstrual leave for girl students, and there are social welfare scheme also is there. देखिए अंजलि, यहाँ पर इस बार जो मैनिफेस्टो है वो भी बड़ा दिलचस्प है। एबीवीपी ने वी मैनिफेस्टो निकाला है, माफ करिएगा, हर मैनिफेस्टो निकाला है और साथ ही साथ एनएसयूआई ने भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो निकाला है। बड़ी जो संख्या में लड़कियां हैं आप देखिए वोट के लिए जा रही हैं, यानी कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का एक तस्वीर होती है और अगर हम देश के प्रमुख नेताओं को देखें तो आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ से ही वो अलग अलग पदों पर मौजूद हैं। तो यानी कि वो जो पूरी एक तस्वीर है राष्ट्रीय राजनीति की, इस वक्त हम देखें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो गूंज है वो पूरी तरीके से संसद में सुनाई दी। आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी तादाद में महिला सांसदों ने बधाई दी और उसकी एक जो झलक है वो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नजर आ रही है। प्रचार प्रसार की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रचार भी छात्र संगठनों द्वारा किया जा रहा है। कुछ और लड़कियों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। एक कमेंट आपका कि क्या मुद्दा रहेगा, वोटिंग किस मुद्दे पर होगी, कुछ बात करना चाहूंगी कुछ छात्रों से। देखिए देश भर के तमाम राज्यों से यहाँ पर महिलाएं आती हैं और हर किसी को एक सोच पीछे कहीं ना कहीं यही होती है। 3 साल बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं इसलिए इस वक्त देखें अगर वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त स्लो है। लगभग 157 जो ईवीएम मशीन है वो बनाई गई है, डूसू में जो है वो ईवीएम के जरिए वोट डाले जा रहे हैं लेकिन कॉलेजेस में बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको छात्र नजर आ जाएंगे। लिंग दो कमेटी की ये सिफारिश थी कि आप केवल 5,000 रुपए ही प्रचार में खर्च कर सकते हैं लेकिन यहाँ प्रचार नहीं, यहाँ 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कैंडिडेट जो है वो खर्च कर देता है और ये हर एक तस्वीर में नजर आता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रचार में नजर आती है। देखिए कुछ इस वक्त मेरे साथ और लड़कियां जुड़ गई हैं। आप कहाँ से आई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपने कहाँ से आके एडमिशन लिया और क्या कुछ मुख्य मुद्दा रहने वाला है? मैं हरियाणा फतेहाबाद से हूँ एंड 3rd ईयर में हूँ। आज वोटिंग थी, इलेक्शंस थे और आज हमने वोट दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए और डूसू के इलेक्शंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी आपने तो खुलासा ही कर दिया कि आपने किसको वोट किया है। मुख्य मुद्दा क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रह रही हैं, आपको क्या लगता है यहाँ किस चीज़ की कमी है? सबसे पहले तो गर्ल्स की सेफ्टी की जो दिल्ली में हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहता है और ये जैसे इलेक्शंस के नाम पर जो गार्बेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, पैम्पलेट्स वगैरह हो रहे हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली में। एंड जो कैंपेनिंग होती है, जैसे जितने भी पार्टीज थी वो कैंपेनिंग कर रही थी तो उसके
टाइम में बहुत ज़्यादा फाइट्स भी हुई जिससे बच्चों को परेशानी भी हुई एंड तो ये सब है जो नहीं होना चाहिए अगर जो भी जीतेगा। हिंसक घटनाएं इस बार भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आई चूंकि एबीवीपी और एनएसयूआई में मुख्य मुकाबला था और हर छात्र संगठन ये चाहता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जो चुनाव है उसकी गद्दी पर काबिज हो। आपके दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा था जब आप? तो बिल्कुल दिव्या, और ये देखने को मिल रहा है कि देखिए कड़ी टक्कर तो है ही लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और आप जैसा कि देख भी रही हैं आप लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।